22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। धर्म की नगरी काशी में संत अभी से ही अयोध्या जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इन सब के बीच काशी के संतों अयोध्या में होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में सार्वजनिक अवकाश किए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भारत सरकार को 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश किए जाने की मांग की, जिसका काशी के सभी संतों ने भी समर्थन किया है। 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्साह मनाने और प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल को लाइव देखने की अपील करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि 22 जनवरी का दिन सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे तो इस ऐतिहासिक पल को सभी को लाइव देखना चाहिए। यदि देश में सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा तो बहुत सारे इससे वंचित रह जाएंगे। ऐसे में भारत सरकार से मांग की गई है कि लोगों की जनभावना को देखते हुए 22 जनवरी को देश में सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा करें। 495 वर्ष 77 संघर्ष, अंत में सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से भगवान श्री राम की जन्मभूमि मुक्त हुई। निर्णय हमारे पक्ष में आया, फिर भी हम प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर पाए कि जो लोग हार गए हैं मुकदमा वो कहीं दंगा न कर दें। परंतु आज जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा है, भगवान राम लला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं राम जन्मभूमि पर, ऐसे अवसर पर पूरे देश के हर मंदिर राम मंदिर और हर घर मंदिर की तरह सजे, दीपावली की तरह उत्सव मने, वैसे ही जैसे रावण का वध करने के उपरांत भगवान राम अयोध्या पधारे थे, पुनः 495 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर रामलला पधार रहे हैं, तो हमें खुशी मनाने के लिए तो एक दिन का अवकाश तो चाहिए ना, और समाज कैसे खुशियां मनाएगा। ठीक है, बाकी लोग तो जिनके पास अन्य तरीके के काम हैं वो कर लेंगे, सरकारी कर्मचारी कैसे खुशी मनाएगा। तो हम भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार से यह आग्रह करते हैं कि 500 वर्षों के बाद यह ऐतिहासिक क्षण है जब आप भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर कर रहे होंगे और पूरा देश आपको टीवी के सामने बैठ करके देख रहा होगा, तो उस देखने के क्षणों के लिए अवकाश की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। जब आप पहली आरती कर रहे होंगे तो हम अपने टीवी पर वह आरती आपके साथ सहयोग कर रहे होंगे, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए अवकाश की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी संबत 2080 तदनुसार 22 जनवरी 2024 को भारत सरकार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करनी।